नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये क्या है, गोल। कौन सी पिक्चर है? गोल है शेप, इसको हम सर्कल कहते हैं। और इसको हम कैसे बनाते हैं आज मैं आपको ये बताऊँगी। इसको बनाने के लिए हमारे पास घर में ही होती है चूड़ी, डिब्बे का ढक्कन, कटोरी और गिलास। इन चारों चीज़ों से मैं आपको सर्कल बनाना सिखाऊंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चूड़ी से सर्कल बना के दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ लेंगे हम दोनों तरफ से और अंदर की तरफ से ऐसे घुमा देंगे अपनी पेंसिल को। देखिए, बन गया ना सर्कल, ये हमने चूड़ी से बनाया है। अब मैं आपको ये कटोरी से बनाना सिखाती हूँ। कटोरी से भी ऐसे उल्टा रखेंगे और ऊपर से हम दबा के रखेंगे और उसके चारों साइड ऐसे घुमा देंगे उसके साथ साथ। तो ये देखिए, हमारा कटोरी से सर्कल बन गया है ना। अब मैं बताती हूँ ये डिब्बे के ढक्कन से कैसे बनाते हैं। इसको भी हम उल्टा रखेंगे और ऊपर से दबा के रखेंगे और इसके चारों साइड ऐसे चलाएंगे और ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, अब हम गिलास से भी बना के मैं दिखाती हूँ। ऐसे ऊपर से दबाएंगे और इसके चारों साइड इस तरह से हम घुमाएंगे और देखो हमारा ये गिलास से भी सर्कल बन गया। चारों चीज़ों, ये हमारी चीज़ें सारी घर में ही होती हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको कलर करना बताती हूँ कि कलर कैसे करना है। ये जो लाइन है हमारी, इसके चारों तरफ हमें कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके चारों तरफ कलर बाहर नहीं जाना चाहिए और ये हम इसमें से रेड कलर लेते हैं। रेड कलर से हम ये कलर करते हैं। तो लाइन के पास हम धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारा कलर बाहर ना चला जाए। और ऐसे करते करते हम इसको भरते जाएंगे सर्कल को। जब हमारी लाइन होती है तो हम धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारा कलर बाहर ना जाए। ठीक है बच्चों, लाइन के पास से हमने ऐसे धीरे धीरे करना है और आगे आगे करते जाना है। और इसको हम ऐसे घुमा भी लेते हैं अपनी कॉपी को थोड़ा सा ऐसे गोल करने के लिए और ऐसे ऐसे कलर करते जाते हैं। कलर को देखना है, लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि लाइन से बाहर कलर आएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने लाइन के अंदर अंदर जहाँ जहाँ हमें थोड़ा सा ये वाइट दिख रहा है पेपर अंदर से, वहाँ हम दोबारा देखते हैं कहाँ पर हमारा ये रेड छूट गया है। हम उसको अच्छी तरह से कलर कर देते हैं। क्या बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने रेड कलर इसमें भरा है। अब हम हर सर्कल में किसी में ग्रीन करेंगे, किसी में ब्लैक करेंगे, तो ये हमारा कलर ओके तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा कलर हो गया। ये देखो बच्चों, ये हमने सारी चीज़ों से सर्कल बनाए हैं और कलर करा। अच्छा लगा ना आपको? आप भी ऐसे घर में ट्राई करेंगे और कलर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।